विश्व कप 2023 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसका 5 अक्टूबर से भारत में आगाज होना है। इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक खास पहल शुरू की है। बीसीसीआई भारत के दिग्गज सितारों को गोल्डन टिकट दे रही है। बोर्ड ने अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को गोल्डन टिकट दिया था। अब इस लिस्ट में सुपरस्टार रजनीकांत का नाम भी जुड़ गया है। रजनीकांत को बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने गोल्डन टिकट दिया है। दरअसल बीसीसीआई ने एक्स ट्विटर पर एक फोटो शेयर की। इसमें जय शाह रजनीकांत को गोल्डन टिकट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोर्ड ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा, बीसीसीआई के माननीय जय शाह ने श्री रजनीकांत को गोल्डन टिकट देकर सम्मानित किया। लीजेंडरी एक्टर ने करोड़ों दिलों की धड़कन पर अमित छाप छोड़ी है। बीसीसीआई ने इससे पहले बॉलीवुड के महान एक्टर अमिताभ बच्चन को गोल्डन टिकट दिया था। वही महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी गोल्डन टिकट से सम्मानित किया जा चुका है। बीसीसीआई और भी दिग्गजों को यह खास टिकट भेंट कर सकती है। सोशल मीडिया पर फैंस ने महेंद्र सिंह धोनी को भी गोल्डन टिकट देने की मांग की है। फिलहाल धोनी को गोल्डन टिकट देने को लेकर किसी तरह का अपडेट सामने नहीं आया है। बता दें कि विश्व कप 2023 का 5 अक्टूबर से आगाज होना है। इसमें भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से है, जो 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेला जाना है। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।